खबरों की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ, क्योंकि अब कृष्ण जन्मभूमि मामले की सुनवाई भी राम जन्मभूमि मामले की तर्ज पर होगी। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि इस मामले की सुनवाई अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही होगी, यानी निचली अदालत में जो मामले की सुनवाई चल रही थी उसे ट्रांसफर करके इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने पास रख लिया है और हिंदू पक्ष को इसके साथ ही एक बड़ी जीत मिली है। दरअसल हिंदू पक्ष काफी समय से यह कह रहा था कि इस पूरे मामले की जो सुनवाई हो वो डायरेक्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट में हो, ना कि निचली अदालत में हो। दरअसल अर्जी में यह कहा गया कि मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि मामला राष्ट्रीय महत्व का है, इसे देखते हुए सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में की जानी चाहिए। इतना ही नहीं, मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की सुनवाई कर रही निचली अदालत की बजाय हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर सुनवाई किए जाने की मांग करते हुए कहा गया था कि इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में भी हो, और हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर एक लंबी सुनवाई की और जिसके बाद हाईकोर्ट ने अब हिंदू पक्ष के में अपना फैसला सुनाया है। हिंदू पक्ष को एक बड़ी जीत हाईकोर्ट से मिली है। और हमारे साथ इसी खबर पर विष्णु शंकर जैन, जो हिंदू पक्ष के वकील हैं, कृष्ण जन्मभूमि में भी वकील हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु, सीधी अगर हम एक लाइन में इस पूरी बात को कहें तो अयोध्या राम मंदिर की तर्ज पर अब मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मुकदमा भी चलेगा हाईकोर्ट में। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जैसे कि राम मंदिर का केस हम सब जानते हैं कि 1950 में फाइल हुआ था और 1989 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस केस को अपने पास ओरिजिनल ट्रायल के लिए मंगाया था। ये मांग की थी कि कृष्ण भूमि का केस लाखों लोगों ला है, जन भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है, सेंसिटिव इशू है, इसलिए इसका ओरिजिनल ट्रायल इलाहाबाद हाईकोर्ट करे कि जल्द से जल्द इस पर फैसला आ सके। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमारी पेटिशन को स्वीकार करते हुए सेक्शन 24 सीपीसी में इस केस का सारे केसेस को अपने पास मंगा लिया है और अब कृष्ण जन्मभूमि केस से संबंधित जितने मुकदमे हैं उसका ओरिजिनल ट्रायल इलाहाबाद हाईकोर्ट करे। विष्णु, आम लोगों के हिसाब से बताइएगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई चलने का मतलब क्या हुआ? और दूसरी कई सारी जो अर्जियां दाखिल की गई जिसमें ये कहा गया कि हमें पूजा करने का अधिकार दिया जाए, क्या उन सभी अर्जियों की सुनवाई भी अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही होगी? देखिए आशीष जी, आप सुप्रीम कोर्ट भी देखते हैं और काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इसलिए आप जानते हैं कि इस तरह के कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव इश्यूज का ओरिजिनल ट्रायल अगर एक्सपीरियंस जुडिशियल ऑफिसर करें वो केस की गरिमा के लिए और तीखा होता है। इसीलिए हमने मांग की थी कि कृष्ण जन्मभूमि केस असल जन इसका ओरिजिनल रिपोर्ट करें, क्योंकि इश्यूज फ्रेम होते हैं, एविडेंस लीड की जाती है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव बातें इन्वॉल्व होती हैं और जल्द से जल्द फैसला आने में गति मिलती है। इसीलिए इस मामले की ओरिजिनल ट्रायल की मांग हमने इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगाने के लिए की थी, जिसको आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलाउ कर दिया। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा की एकल खंडपीठ थी जिसमें ये आज फैसला दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आगे आने वाले समय में हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि इसमें जल्द से जल्द फैसला आएगा और इसका ओरिजिनल ट्रायल जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो। विष्णु, एक बात जानकारी और दीजिएगा, इसमें जो आपने याचिका दाखिल की है इसके अलावा जो दूसरी अलग अलग याचिकाएं थी, तकरीबन 10 याचिकाएं इस पूरे मामले में दाखिल की गई थी, सारी ट्रांसफर हो गई क्या? सारे केसेस ट्रांसफर करने की पेटिशन मांग थी हमारी और वो मांग इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वीकार कर ली है और अब सारे केसेस का ओरिजिनल ट्रायल ऑनरेबल इलाहाबाद है। विष्णु, एक सवाल का जवाब और भी देके जाइएगा, क्योंकि मुझे पता है आपको जाना है। इस मामले में जब ट्रायल शुरू होगा तो उसकी रूपरेखा क्या होगी? क्या हाईकोर्ट तय करेगा रूपरेखा, किस तरह से ट्रायल आगे बढ़ेगा? देखिए सबसे पहले ट्रायल में साथ, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसकी रूपरेखा हाईकोर्ट ही तय करेगा और वो रूपरेखा सीपीसी के साथ चलेगी। सबसे पहले 7/11 की एप्लीकेशन डिसाइड होगी, अगर 7/11 की जो एक पड़ाव होता है वो लोग पार करते हैं, हिंदू पक्ष अगर उसको पार करता है तो उसके बाद इश्यूज फ्रेम होंगे, एविडेंस लीड की जाएगी, जो हमारा पूरा क्लेम है कि 13.37 एकड़स ऑफ लैंड पे उसका ओरिजिनल टाइटल और उसके ओरिजिनल ओनर भगवान श्री कृष्ण है, तो उस टाइटल केस को डिसाइड किया जाएगा। जिस तरह से शाही ईदगाह मस्जिद ने वहां पे गलत तरीके से कब्जा कर रखा है, इंक्रोचमेंट कर रखा है, उसको हटाने की हमने मांग की है, वो सारी मांगे सुनी जाएंगी। सारी पार्टीज को ये अधिकार दिया जाएगा कि वो अपनी रिस्पेक्टिव एविडेंसेस लीड करें और उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट इसका अपना फैसला। देखिए विष्णु, आम आदमी ये भी समझना चाहेगा कि अब इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो क्या हिंदू पक्ष ने पहले से ही तैयारी कर ली है कैविएट दाखिल करने की, ताकि अगर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाता है तो पहले अगर मामले की सुनवाई होती है तो हिंदू पक्ष को भी सुना जाए, एक तरफा आदेश ना जारी किया जाए? जी बिल्कुल, हम कैविएट भी फाइल करेंगे और हमारा ऐसा मानना है कि हाईकोर्ट को ये पावर है सेक्शन 24 की सीपीसी में, ये देखते हुए कि अगर कोई मामला
इस तरह की इंपॉर्टेंस का है जिसमें सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स इश्यूज इन्वॉल्व हैं, तो हाईकोर्ट अपना विशेषाधिकार उपयोग करके मामले को मंगा सकती है अपने पास, तो उसमें मुझे नहीं लगता है एज अ लॉयर की कोई इसमें लीगल इन्फॉर्मिटी है या कोई ऐसा गलत ऑर्डर पास किया गया जिसको सुप्रीम कोर्ट भी इंटरफेयर करेगा। पर डेफिनेटली हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी कैविएट फाइल करके रखेंगे और अगर शाहिदगा मस्जिद सुप्रीम कोर्ट आती है तो वहां पे भी अपनी बात रखेंगे। विष्णु आखिरी सवाल है, उसका जवाब आप देके जाइएगा। 7-11 के तहत मुस्लिम पक्ष इसमें आपत्ति दर्ज करेगा ये तो तय मान के चले, तो क्या पहले सबसे पहले 7-11 के तहत जो आपत्ति होगी उसका निपटारा हाईकोर्ट करेगा और उसके बाद जो ओरिजिनल सूट होगा उस पर सुनवाई शुरू होगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 7-11 के तहत मुस्लिम पक्ष इसमें अपनी आपत्ति ऑलरेडी दर्ज करा चुका है और उसकी सुनवाई चल भी रही थी मथुरा की सिविल कोर्ट में, पर अब उसकी ओरिजिनल हाईकोर्ट में की जाएगी और 7-11 की जो अग्नि परीक्षा है जो भी उसे पार करेगा उसके बाद हम इसमें आगे ओरिजिनल ट्रायल देख पाएंगे। पर 7-11 की जितनी जजमेंट या जो भी हियरिंग्स होंगी अब वो ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट में। विष्णु आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। विष्णु शंकर जैन हमारे साथ जुड़े हुए थे, हिंदू पक्ष के वकील हैं। विष्णु का साफ तौर पर यह कहना था कि इस पूरे मामले में अब जो ट्रायल होगा वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगा। दरअसल हिंदू पक्ष ने अदालत में ये कहा था कि राष्ट्रीय महत्व का ये पूरा मामला है, लिहाजा इस मामले को जल्द से जल्द निपटाया जाना चाहिए, इसलिए निचली अदालत में इसकी सुनवाई ना होकर सीधे इलाहाबाद हाईकोर्ट में हो, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस अर्जी को मान लिया है, यानी अब इस मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी।